यार अभी मैं मिनी जू से बाहर आया हूँ सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। यहाँ पर एक परिंदा जो हवा में खड़ा हो जाता है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सामने। ये देखिए ये जो बर्ड है ना, ये हवा में खड़ा हो जाता है। ये देखिए हवा में बिल्कुल एक जगह पे खड़ा हो गया स्टिल, और ये यहाँ से मूव नहीं कर रहा अभी। ये अब मूव किया इसने, ये देखें अब उसने मूव करना शुरू किया, लेकिन ये फिर रुक जाएगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना। मौसम इतना अच्छा है, ये मौसम को फुल इंजॉय करता है। पता नहीं इस परिंदे का नाम क्या है, लेकिन ये देखो ये हवा में, ये वाला परिंदा, ये देखिए बिल्कुल रुक गया, फिर मूव करने लग गया। ये ऐसे करता है, थोड़ी देर रुक जाता है फिर मूव करता है। मतलब हवा में ना ये स्टे कर लेते हैं। मतलब अल्लाह ने मतलब इनको एक ऐसी मतलब वो परों में वो दी है कि मतलब ये वाहिद परिंदा जो स्टे करता है, अभी भी स्टे किया हुआ। ये देखें, ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सुबह सुबह मौजूद हैं अपने मिनी जू में, और मौसम यार इतना अच्छा है कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि ये गर्मी है। आप देखें अभी आसमान पे जो है वो बादल आए हुए हैं, और हम अपना काम जो है कंप्लीट करने की आज कोशिश कर रहे हैं। फाइनली हम, आप देख सकते हैं मिनी जू मेरे आगे पीछे आपको बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर जो सफाई बची थी वो सफाई हम अभी फाइनल कर रहे हैं। इमरान भाई जो है ना वो तकरीबन 3 दिन से इस जगह को साफ कर रहे हैं। मैं जगह आपको दिखाता हूँ, तो ये वो जगह है इमरान भाई जिसको 3 दिन से साफ कर रहे हैं, और ये देखिए कितना ठोस कचरा है। इमरान भाई हेलो कर दें। इमरान भाई को मैं सुबह सुबह उठा के लेके आऊँ कि यार सुबह सुबह का टाइम है और जो है ना ठंडा टाइम है, तो हम इसमें कंप्लीट कर दें। तो ये तकरीबन 3 दिन इस जगह को हमारे मट्टी उखाड़ने में लग गए, और आपको देते हैं प्लांट्स की अपडेट। ये है हमारे पौधे 1 2 3 4 5 6 7 8, और छोटी बेलें भी हैं कुछ जो कि इस तरह की हैं। तो यार इनको भी हम टाइम से पानी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ये भी बड़ी जल्दी बड़ी हो जाएंगे। तकरीबन 1-2 दिन में ना यार गर्मी असल में दिन में बहुत पड़ती है, तो हमने ये सोचा कि सुबह और शाम को हम जो है ना काम किया करेंगे। तो इंशाल्लाह हमने जल्द से जल्द ये सफाई कंप्लीट करके 1 से 2 दिनों में हमने यहाँ पर जो है ना परिंदे सारे के सारे शिफ्ट कर देने हैं। फिर यहाँ पर जो मज़ा आएगा वो आपकी सोच है। तो यार सीन ये है कि यहाँ से हम कचरा जो है ना बाल्टी की मदद से जो है ना बाहर फेंक रहे हैं, ताकि आसानी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कचरा हम यहाँ से बाहर फेंकें। तो इमरान भाई यहाँ से कचरा उठा के जो है ना, और उस दीवार के पास जो है ना वो सीढ़ियाँ हैं, छोटी सीढ़ियाँ नहीं है, छोटी सी दीवार है टूटी। तो इमरान भाई अभी आपको कचरा फेंक के दिखाएंगे, हमने ये शॉर्टकट बनाई है आज। तो यहाँ से इमरान भाई ऊपर चढ़ेंगे और कचरा फेंक देंगे बाहर, और बाहर लग गया बहुत बड़ा ढेर, और ढेर मैं आपको जाके अभी दिखाता हूँ। इमरान भाई कितना ढेर लग गया? हाँ तो यार सीन ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा ढेर लग गया है बाहर कचरे का। उस कचरे को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इमरान भाई ने बोला है कि यार वहाँ से ना जो है ना गांव की जो आवारा कुत्ते हैं ना, उनके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और बिल्लियाँ जो हैं वो भी आ सकती हैं ज़्यादा। बिल्लियाँ तो वैसे ही आ सकती हैं, तो इस कचरे को जो है ना हमने वैसे ही साइड पर करना है और इसको साफ़ करना है जितना जल्दी हो सके। मैं आपको कचरा दिखाता हूँ कितना ज़्यादा यहाँ पर बन गया। तो यहाँ से ये है कि ये जो सारा रास्ता है ना, ये सारा रास्ता ये गांव को जाता है इधर भी, और इधर भी जो लोग रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी देखें, ये भी एक डेरा है, तो यहाँ पे जितने भी वो आवारा कुत्ते होते हैं वो सारे यहाँ पे हैं। और ये है कचरे का ढेर, यहाँ से इमरान भाई कचरा फेंक रहे हैं। तो यार कचरे का ढेर बहुत बड़ा हो गया, तो इसको जो ना थोड़ी देर बाद हम जब सारा कचरा अंदर से बाहर निकाल लेंगे, तो इसको जो ना क्लीन कर देंगे यहाँ पर, ताकि जो हमारे जानवरों को कुछ हो ना। यार बस आप मौसम चेक करें, इतनी गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पर कि हम तरस जाते हैं कि यार कोई अच्छा मौसम आ जाए खुदा के लिए। बस आप दुआ करें कि आज बारिश अगर हो जाए ना, तो मिनी जू में मैं कहता हूँ मज़े लग जाएंगे। इतनी प्यारी ठंडी वहाँ पे चाय बना के पीने का मज़ा ही कुछ और है। आज मतलब सुबह सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, और इतनी प्यारी हवा, मेरा दिल खुश हो गया। नहीं तो यहाँ पर यार 42-43 टेम्परेचर ऐसे ही जाता है चुटकियों में, 9-10 बजे पहुँच जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है। और दोस्तों जितने भी हमने यहाँ पे प्लांट्स लगाए ना, पहले तो 14-15 दिन में हमें लगा था कि यार ये मतलब डेड हो गए हैं, क्योंकि उनके पत्ते जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके बाद से अचानक से ये देखें, जैसे यहाँ पे ये फूल है ना जो इतना प्यारा था पिंक कलर का जब हम लेके आए थे, लेकिन अभी जो है ना ये बिल्कुल मुरझा गया। ये देखें ये भी मुरझा गया, ठीक है। और इसके साथ ये जो इसके पत्ते हैं ना, ये भी देखें ड्राई हो गए थे। तो हमें ये टेंशन हो गई थी यार कि पता नहीं क्या सीन है, लेकिन अब क्या हुआ है कि जो पहले पत्ते थे वो ड्राई हो गए, लेकिन यहाँ से ना ये देखें नए पत्ते जो है ना वो निकलना शुरू हो गए हैं सारे पौधों के। तो बेल भी एक सूख गई थी, वो बेल भी जो है तकरीबन दोबारा से ग्रीन हो गई है। ये देखें तो ये वाली जो बेल है ना, ये तकरीबन ऐसे पूरी दीवार पे फैल जाएगी इंशाल्लाह, बस इसके बड़े होने का इंतज़ार है। तो प्लांट्स जो है ना हमारे वो भी बिल्कुल ओके जा रहे हैं। तो थोड़ा सा असल में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो मतलब बाहर का जो मौसम है स्प्रिंग वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा ना इनको पौधों को मुश्किल हो रही है। और क्योंकि हमने बिल्कुल ठोस मिट्टी में लगाया है, तो एक रीज़न ये भी है। तो इंशाल्लाह ये बस बहुत ही जल्द तैयार होने वाला है।
और यार आपको याद होगा हमने आपको बताया था पहले व्लॉग में कि हमारी डक्स के लिए हमने स्विमिंग पूल का जो है ना पहले से इंतजाम कर दिया है, और लकीली हमारे पास एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर हमारी डक्स जो है बहुत इंजॉय करेंगी, तो उसकी सफाई करना भी बाकी है। ये देखें यहाँ पर जब हम पानी डालेंगे और इसमें हमारी डक्स जो है वो मज़े मज़े से तैर रही होंगी तो कितना प्यारा मंजर बनेगा। और ये जो सारा कचरा है ना ये बस ऐसे समझें 5-10 मिनट में हम सारा क्लियर कर देंगे यहाँ से। और ये हमारे डक्स का स्विमिंग पूल है, आप चेक करें। तो यार यहाँ पर ना दीवार में ना एक परिंदे ने जो ना घोंसला बनाया हुआ है, और वो दोनों चिड़ियाँ आ गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अगर वो अंदर हुई तो, मैं करीब जाता हूँ और कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी वो दीवार पर बैठी थी लेकिन उड़ गई हैं, तो अभी देखते हैं यहाँ पर कोई है कि नहीं। तो यार यहाँ पर जो है ना घोंसले में बच्चे दिए हुए हैं परिंदों ने, सॉरी अंडों से बच्चे निकाले हुए। आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको नज़र आ सका तो, क्योंकि हम देख पा रहे मोबाइल बैटरी वहाँ जाता है कि नहीं। यार थोड़ा बहुत आपको नज़र आया होगा लेकिन पता क्या, हम उसको ज़्यादा सुराख खोल नहीं रहे क्योंकि फिर वो मौसम बारिश वाला बना हुआ है, फिर उनके लिए डिस्टर्बेंस हो जाएगी। बच्चे छोटे छोटे हैं अभी, तो वो जो आपको बड़ा सा एक वो परिंदा नज़र आ रहा है वो उनकी मतलब मदर है, तो वो बैठी हुई है रखवाली पर, तो वो भी डर रही थी तो हमने उसको छेड़ा नहीं है वो पॉइंट, क्योंकि वो सारी जगह जो है ना वो कच्ची है, तो अगर बारिश का जो है ना वो सीन बना हुआ है तो बारिश ज़्यादा आ गई तो फिर वो जो है ना उनके लिए नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा। अभी सफाई तकरीबन कंप्लीट हो गई है और अल्लाह का शुक्र है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो बस चाय पीते हैं। क्या कहने इस बंदे के, इस बंदे ने फुल बेचारा थक गया है। और ये जगह देखिए माशाल्लाह कितनी जो है वो साफ़ हो गई है यहाँ तक। अब ये जो कचरा रह गया ना ये उठाना है और इंशाल्लाह हमने अपने केस यहाँ पर लाके शिफ्ट कर देना है। इमरान भाई अंदाज़ा कितना टाइम रह गया है? अभी और कितना टाइम, घंटा लग जाएगा? यार ऐसे ना करो, ये मौसम जो है ना चला जाएगा फिर फ़ायदा, बादल मुझे लग रहा है ऐसा ऐसा जा रहे हैं। चाय पीनी है ना यार? यार आप लोग कह रहे होंगे मैं फ्री क्यों खड़ा हूँ, मैं असल में एक तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरा मुझे मट्टी से थोड़ी सी एलर्जी है, मैं इसलिए साइड पर हूँ, तो इसलिए मैं मट्टी को हाथ नहीं लगाता, बाकी जो है जितने भी काम है उनमें मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो फाइनली यार सफाई हो गई है तकरीबन। ये जो कचरा आपको नज़र आ रहा है पीछे इधर उधर, ये ना आंधी आई थी उस वजह से आ गया था, तो ये जो है ना हम शाम को साफ़ कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारा हमने जो है ना साफ़ कर दिया है और मौसम बहुत अच्छा है। अभी हम जा रहे हैं चाय पीने, उसके बाद हम व्लॉग को कर देंगे एंड। मैम भाई चाय पियेंगे आप मेरे साथ? यार क्यों नहीं पियूंगा बाबा भाई, क्या या किसी और के साथ पियेंगे? नहीं नहीं आपके साथ, ठीक है जी। अब जा रहे हैं चाय पीने, कोई और रहा नहीं है ना मेरी जिंदगी में, कोई भी नहीं रहा। और भाई यहाँ पे बड़ा सुकून है इमरान भाई, यहाँ पे रहेंगे, टेंशन नहीं है, ऐश करेंगे, ठीक है। अभी हम करें यार जू को लॉक और हम जा रहे हैं चाय पीने, तो मिलते हैं आप सेकंड ब्लॉक में, लेकिन चाय के शॉर्ट्स आपको दिखा देता हूँ। तो यार मौसम आप चेक कर सकते हैं क्या जबरदस्त मौसम है, और मैं और इमरान भाई जो है ना काम छोड़ के निकल आए हैं जू से और हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। मौसम इतना अच्छा था आज कि दिल किया है कि भाई काम छोड़ो चाय पियो, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो आप देखिए यार मौसम चेक करें आप, क्या प्यारा मौसम बना हुआ है यार। और वो हमारा मिनी जू है जिसे हम दूर छोड़ा है, और उस तरफ जो है वो मार्केट है चाय की, वहाँ हम चाय पीने जा रहे हैं। इमरान भाई बाइक चला रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं और शोर बहुत आ रहा होगा आपको क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो यार दिस इज़ अ स्पॉट जहाँ पे हम चाय पीने हैं, भाई चाय बना रहे हैं और इमरान भाई को देखिए कैसे लेट गए हैं, सुकून करें, काम करके बहुत थक गए हैं। और थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पर अंधेरा शुरू हो गया है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ बादल इतने ज़्यादा आ गए हैं वो देखें उस तरह, मतलब बादल क्लियर नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं कि मतलब इस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, तकरीबन 9 बज रहे हैं और जो है ना इस तरह के, और यहाँ पर प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चाय, आज मैं कहता हूँ गर्मी का जो है ना मज़ा आ जाएगा।